जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगल प्रदोष व्रत की कथा। और ये कथा इस प्रकार है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे? यह सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी के ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई।